पूर्व के संत विजयदास महाराज के निधन के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विजयदास के निधन को लेकर सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी माइनिंग को बंद करने का फैसला किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार और कांग्रेस पार्टी को संत के निधन का बहुत दुख है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है वह पूरी तरह से गलत है। बीजेपी सरकार में सर्वाधिक अवैध खनन बीती सरकार में हुआ है, उसे रोकने में बीजेपी सरकार नाकामयाब रही। डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार के समय अवैध खनन के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वैध खनन होने के बावजूद ब्रज के पर्वतों को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने फॉरेस्ट रिजर्व घोषित करने का फैसला किया और वहां माइनिंग का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो संत विजयदास जी की जो मृत्यु हो गई वो हमारे सबके लिए दुखदाई है। वास्तव में इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हर सरकार का प्रयास रहता रहा है, हमारी सरकार का भी प्रयास रहा कि लोगों की समस्याओं का बराबर हम लोग समाधान करें, फिर भी कोई न कोई हादसा हो जाता है। ये जो प्रकरण है ये कोई आज का नया नहीं है, 2003-4-5 के लगभग का प्रकरण है जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, और 2009 में 5,632 हेक्टर का नोटिफिकेशन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय भी काफी आंदोलन हुए थे, लेकिन उन्होंने इस विवाद को निपटाने में कोई पहल नहीं की। केवल अरुण चतुर्वेदी की जो समिति है, अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में वो 2017 में उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी